ओला इंडिया बहुत जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो टू ऑल, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ड्राइव फॉर पीस। ये ओला इंडिया का पहला ऐप स्कूटर होने वाला है। इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, स्कूटर को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा, आइए देखते हैं। वैसे तो इस स्कूटर की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत अपडेट्स के साथ ये स्कूटर बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इस स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के ओला के पहले प्लांट में हो रही है और इस प्लांट में लगभग 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा ओला स्कूटर बनाया जा सकता है। इस स्कूटर को इंडिया के अलावा यूएसए और यूरोपियन कंट्री में भी सेल किया जाएगा। बात करें स्कूटर के लुक की तो इसका लुक काफी अट्रैक्टिव है। इस स्कूटर में आपको वो सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको हाई लेवल डेंसिटी स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके फ्रंट लुक में आपको DRL के साथ LED हेडलैम्प मिल जाते हैं जो इसके लुक को काफी इनहेंस कर रहे हैं। वहीं फ्रंट टायर पर आपको डिस्क ब्रेक का फीचर भी मिल जाता है। इसकी स्पीडोमीटर में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, नेविगेशन, फाइंड माई स्कूटर, OTR अपडेट जैसे अट्रैक्टिव फीचर आपको इस नई ओला स्कूटर में मिल जाते हैं। वहीं बात करें इसके रेंज की, वही एक बार में चार्ज करने के बाद लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन भी काफी स्मूथ होने वाले हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देखकर ओला बहुत जल्द इस स्कूटर को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। एक अनुमान के अनुसार इस स्कूटर का प्राइस हो सकता है 1,15,000 रुपए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड औरों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर नई गाड़ियों एंड बाइक की अपडेट्स लेकर आता हूं आपके लिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। सी यू सून, टिल देन ड्राइव सेफ।